फिल्म के जो हमारे दोस्त छोटे स्टार्स हैं अच्छी तरीके से फिट आ गए रोल में। रिंगन में तो सीरियस रोल था, ये रोल वो कर पाएगा यानी मस्ती है या नहीं, पर ये इमिडिएटली लगा कि बहुत गोरी है तो क्या करेंगे। मतलब लहान मुलांचं भावविश्व रंगवणारा पिप्सी हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय। दोन लहान लहान मुलांच्या धमाकेदार भूमिका तर या सिनेमात बघायला मिळणार आहेत, पण याशिवाय बरंच काही हा सिनेमा प्रेक्षकांना देऊन जाणार आहे। सिनेमा नेमका कसा घडला, सिनेमाचा संपूर्ण प्रवास कसा होता, दुष्काळी भागातलं सगळं शूटिंग कसं झालं, याबद्दलच आपल्याला सगळ्यांसोबत माहिती शेअर करायला माझ्यासोबत या सिनेमाच्या क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर विधी कासलीवाल आहेत। मॅम, खूप स्वागत तुमचं राजश्री मराठीमध्ये। लहान मुलांशी आम्ही गप्पा मारल्या, कसा त्यांचा अनुभव होता हे तर सगळं जाणून घेतलं। तुम्ही स्वतः क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहात या सिनेमाच्या, तुमच्या नजरेतला पिप्सी हा सिनेमा कसा आहे? ॲक्च्युली मुझे लगता है कि पिप्सी एक कहानी है दो छोटे बच्चों की, पर ये एक बड़ी कहानी है जो बच्चों को भी कनेक्शन होगा इससे और बड़ों का भी कनेक्शन होगा। और इसकी ब्यूटी ये है कि हर एक जन अपने अनुभव और अपनी अंडरस्टैंडिंग से उससे कनेक्ट होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो मैं कनेक्ट हुई पिप्सी से वॉज होप, इसीलिए फिल्म का टैगलाइन भी रखा है बॉटल फुल ऑफ होप। तो मुझे ये लगता है कि हम चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आएँ या चाहे कितने भी उम्र के हों, बच्चे हों बड़े हों, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें एक होप हो कि आज भले ही जैसा भी हो कल इससे बेटर होगा या कल इससे बेटर होने की अपॉर्चुनिटी या चांसेस है हमारे पास। तो मेरे लिए पिप्सी वो होप है। सिनेमाबद्दल तुम्ही सांगितलं की तुमच्यासाठी पिप्सी नेमका काय आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दुष्काळी भागामध्ये या सिनेमाचं संपूर्ण शूटिंग झालं आहे, कारण ती कथाच तशी ॲक्च्युली फिरते, तो सगळा अनुभव कसा होता आणि तिकडे शूटिंग करायचं हे कसं ठरलं होतं? जैसे ही रोहन जो हमारे डायरेक्टर हैं और सौरभ जो राइटर हैं उन्होंने कहानी लिखी, हमारी पूरी डेवलपमेंट कम्प्लीट हुई, तो ये ऑब्वियसली बहुत क्लियर था कि हमें एक दुष्काल भाग दिखाना है, पर वो एक बैकड्रॉप में कैरेक्टर चलता रहना चाहिए क्योंकि कहानी दो ये छोटे बच्चों के दृष्टिकोण की है। तो इसलिए हमें बहुत इन द फेस भी नहीं होना था, पर एट द सेम टाइम एक जो अपने सबकॉन्शियस में वो चलता रहे, दिखता रहे कि बहुत बड़े फील्ड्स हैं, ड्राई स्ट्रीम्स हैं, ये सब जो दिखाना था। तो इसलिए लोकेशन हंट पे गए, तो पहले लोकेशन हंट में इधर उधर काफ़ी जगह भटके पर कुछ जम नहीं रहा था, कुछ प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। फिर हम फाइनली आर्नी के यहाँ पर पहुँचे और यहाँ हमने देखा कि सब अपने जो विजुअल्स चाहिए उसके लिए तो सब ठीक है, पर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली वहाँ कुछ नहीं है। ट्रैवल के अलावा वहाँ पर जो रहना है पूरे यूनिट को, 70-80 लोगों के यूनिट को रहना है, 30 दिनों तक रहना है, वहाँ से जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ के लोकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो सब नेक्स्ट टू ज़ीरो थी। पर फिर यवतमाल से हमें कुछ हेल्प मिली और वहाँ जो हमारे पूरे प्रोडक्शन टीम, आई मीन की मैं दाद देना चाहूँगी क्योंकि वहाँ के गेस्ट हाउसेज वगैरह को थोड़ा सा अपग्रेड करके जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी तो यूनिट को फिर रुकाया और पूरे यूनिट ने भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि 30 दिन 32 दिन लगभग इस कंडीशन में रहना जहाँ पर वहाँ पर प्रॉपर रहने सहने की जगह नहीं है, इतनी गर्मी है, 35 डिग्री सेल्सियस किसको बोलते हैं, और पूरा ऑलमोस्ट आउटडोर में ही शूटिंग चल रहा था, तो उस कंडीशंस में रहना और अपना बेस्ट देना। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पूरी पिप्सी टीम ने जितनी मेहनत और लगन से इसमें काम किया है, मेरे करियर की ये सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म रही है, पर सबका सपोर्ट इतना रहा है बिकॉज उनका सबका बिलीव था कि ये फिल्म ऐसी ही बननी चाहिए और ऐसी ही लगनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने ट्रेलर में कुछ सीन्स देखे होंगे, कुछ शॉट्स देखे होंगे कि दोनों बच्चे एक फॉलन ट्री पे बैठे हैं और पीछे दूर दूर तक सब बैरननेस जो दिख रही है और यहाँ पर ये दो इनोसेंट बच्चे हैं, तो ये उनकी दुनिया है विच इज़ पार्ट ऑफ दिस बिगर ड्राई बैरन दुनिया, पर देर इज स्टिल आपकी नज़र उन्हीं पर जाती है रादर दैन बैरननेस। तो हमें भी पॉझिटिव ढूंढना है लाइफ में रादर दॅन लुकिंग ॲट बॅरननेस। सिनेमाबद्दलची आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी दोन लहान मुले आहेत मैथिली आणि साहिल, ते त्या भूमिकेला त्या रोलला अगदी सुटेबल असे दोघं जण आहेत, हेच दोघं असतील आणि या दोघांचंच आपण कास्टिंग सिनेमासाठी करू, हे नेमकं कधी ठरलं होतं आणि त्यामागे काय थिंकिंग प्रोसेस होती?
मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि फिल्म के जो हमारे दोस्त छोटे स्टार्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से फिट आ गए रोल में कि बहुत से लोगों को लगता है कि वो चानी और बालू ही हैं। तो इसलिए मुंह से भी कितनी बार चानी और बालू ही निकलता है, मैथिली साहिल तो निकलता ही नहीं है। तो बालू जो साहिल है उसे हमने रिंगन में देखा था तो लगा था कि साहिल की जो आँखें हैं दे आर सो एक्सप्रेसिव, चेहरा जी बिल्कुल। और रिंगन में तो सीरियस रोल था तो लगा था कि ये रोल वो कर पाएगा या नहीं, मस्ती है या नहीं, पर जैसे जिस दिन मिले उससे इतनी मस्ती भरी बातें कर रहा था वो, एग्जैक्टली तो फिर लगा कि ये तो परफेक्ट बालू है। फिर मैथिली का सजेशन आया था दो तीन लोगों से, रोहन भी किसी को जानते थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि आप इनको एक बार मिलो, देखो, ऑडिशन करो वगैरह। जब वो आई पूरे ऑफिस में, मतलब इतनी क्यूट है तो सब लोगों का एकदम ध्यान आकर्षित हुआ, पर ये इमीडिएटली लगा कि बहुत गोरी है तो क्या करेंगे, मतलब क्योंकि काय केलं का त्याच्यासाठी, कारण ती जशी ती दिसते त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट ती सिनेमामध्ये दिसते आहे, मग त्याच्यासाठी सुद्धा खूप मेहनत घ्यावी लागली। 3-4 दिन तो पहिले येही दुविधा रही की उसको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इतनी फेअर और इतनी अट्रॅक्टिव लगती है कि लगता ही नहीं कि वो विदर्भ साइड में आउटडोर में खेलती होगी, इतना धूप में वो भागती होगी इधर उधर। पर फिर लगा नहीं, हम लोग ये मेकअप से बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो पूरी टीम से लुक टेस्ट जब किया कि ऐसे शेड होना चाहिए ताकि नेचुरल भी लगे, और उसको बहुत आई थिंक तकलीफ होती थी क्योंकि उसके हाथ पांव सब सब पे मेकअप करना पड़ता था, फिर उसका टचअप करना पड़ता था लंच टाइम के बाद वगैरह, क्योंकि अब वो बच्चे मस्ती करेंगे ही ऑब्वियसली, तो बार बार वो सब टचअप करना पड़ता था। तो उसकी मेहनत आई थिंक काफ़ी, उसकी पेशेंस बहुत लगी है कि ये मेकअप करवाए बैठ के ठीक से। इतकं सगळं तुम्ही बघितलं आहे, म्हणजे तिचं अगदी मेकअप पासून ते तिकडे दुष्काळी भागातलं शूटिंग सगळ्या थ्रू आउट जर्नी तुम्ही तिकडे होतात, हा सिनेमा करतानाचा तुमचा अनुभव कसा होता? ॲक्च्युली जो पहला शेड्यूल था वो जो हमारे कॅमेरामॅन अब नहीं रहे हैं लेट अविराम मिश्रा जी, वो सीनियर मोस्ट थे थ्रू दैट एंटायर शेड्यूल, और रोहन की पहली फिल्म थी बतौर डायरेक्टर, तो ही इज़ अ वेरी सीनियर एडिटर एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि अविराम जी का हाथ बहुत रहा है इन कीपिंग द होल यूनिट टुगेदर एंड ऑफकोर्स द प्रोडक्शन टीम जो थी वहाँ पर। और हमें इसके दो शेड्यूल्स करने पड़े थे, तो पहला शेड्यूल हमारा जो था और सेकेंड शेड्यूल था उसके बीच में लगभग 1 साल का गैप था। तो सेकेंड शेड्यूल में मैं थी थ्रू आउट, फर्स्ट शेड्यूल में अविराम जी ने काफ़ी वो सब संभाला था। तो बहुत मज़ा आया सेकंड शेड्यूल में भी काम करते करते, क्योंकि ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ थ्रू आउट काम करने का, तो वही लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि बड़े तो समझते हैं कि आपके शेड्यूल क्या होता है या ये शॉट टेकिंग या कैमरा यहाँ रखा है, ये कंटिन्यूटी ये वगैरह, बट मेरे माइंड में जो भी मतलब मिसकंसेप्शंस थे कि बच्चों के साथ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, दोनों साहिल और मैथिली ने उस सबको गलत साबित किया, क्योंकि इतना मज़ा शूटिंग में मुझे कोई और फिल्म में नहीं आया है, बिकॉज दे वर सो प्रिपेयर्ड, और लिटरली 2 टेक ओके, 3 टेक में ओके, 1st टेक ओके, तो इट वॉज सो मच फन कि हम लोग बाकी सब भूल के सिर्फ क्रिएटिव पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे। आई थिंक दैट वॉज अ बिग ब्लेसिंग, और वो हुआ क्योंकि ये दो स्टार किड्स थे हमारे साथ में। सबसे इम्पॉर्टंट होता है कि बहुत खूप गोष्टी घडतात, बॅक स्टेज घडतात किंवा शूटिंग दरम्यान घडतात, तुम्ही तिकडे स्वतः होतात, हा सिनेमाचं शूटिंग तुम्ही स्वतः बघितलं आहे, एखादा लक्षात राहिलेला किस्सा आहे कुठला की खूप धमाल केली आहे त्याच्या तिथे? नाही, बहुत आहे। एक हम लोग ट्रेन ॲक्च्युअल ट्रेन में शूटिंग कर रहे थे, हमारे गाने का पोर्शन था वो ताना पी निपाजा का, तो उसमें एक्चुअल ट्रेन में करना था बिकॉज वो रियल हमें दिखाना था, एक रियलिस्टिक फीलिंग, जब तक अपन रियल में नहीं करते ना वो रियलिस्टिक फीलिंग आती भी नहीं है। तो वहाँ पर जो हम स्टेशन में थे पहली बार जब चढ़ने की कोशिश की सब ने, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हम लोग बिल्कुल चढ़ ही नहीं पाए, यहाँ से कोशिश कर रहे वहाँ से कोशिश कर रहे, पर पूरा जैम पैक था ट्रेन कि हम चढ़ ही नहीं पाए। फिर हम लोग गाड़ी से वो सबसे पहले स्टेशन जहाँ से स्टार्ट होती है ट्रेन वहाँ पर पहुँचे, सब लंच बॉक्सेस वहाँ पर आए, पूरा यूनिट उसमें चढ़ा एज पैसेंजर्स, बच्चे वहाँ थे, तो लिटरली वो जब आप देखोगे फिल्म में
मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आएगा कि वो इतनी सी जगह है, दो बेंचेस यहाँ पर हैं, दोनों बच्चे यहाँ हैं, कैमरा यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, रोहन यहाँ है और पूरा यूनिट यहाँ है और बाकी सब रेगुलर पैसेंजर्स भी वहीं हैं। तो इतना वो मज़ेदार था वैसे शूट करना, गोरिल्ला शूटिंग जिसे कहते हैं वैसा था। और उन बच्चों के साथ में क्योंकि वहाँ पर रेगुलर पैसेंजर्स वगैरह भी थे, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, तो कोई एक्शन या कट नहीं बोल रहे थे या हम गाना भी नहीं बजा रहे थे। बच्चों को बोला था आप इमेजिन करो गाना बज रहा है, और क्या करती थी मैं, क्लैप करती थी, वो लोग स्टार्ट करते थे, रोहन क्लैप करता था, फिर वो एंड करते थे, तो उनको पता था दिस इज एक्शन एंड दिस इज कट। तो वैसे बहुत मजा आया वो शूटिंग करते। सिनेमा तयार झाला आहे आता आणि आता प्रेक्षकांच्या भेटीला तो येणार आहे, म्हणजे अगदीच काय सिनेमामध्ये असेल याबद्दलची एक्साइटमेंट ट्रेलर आणि नंतर गाण्यानंतर वाढत चालली आहे। प्रेक्षकांना आता सिनेमाबद्दल काय सांगा? मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत ही स्वीट और सिंपल स्टोरी है जो ऑडियंसेस को हंसाएगी भी और कभी कभी इमोशनल भी करेगी और सोचने के लिए भी मजबूर करेगी, पर थ्रू आउट एंटरटेन करते हुए। और इन दोनों बच्चों के लिए और इनकी परफॉर्मेंसेस के लिए ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए पिप्सी 27 जुलाई को। अगदी, म्हणजे खरंच खूप सुंदर सिनेमा तयार झाला आहे। काय सिनेमामध्ये असेल याबद्दलची एक्साइटमेंट वाढली आहे। पण थँक्यू सो मच मॅम, तुम्ही इथे आलात आणि सिनेमाबद्दलचे सगळे अनुभव आमच्या प्रेक्षकांसोबत शेअर केले त्याबद्दल। सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतो आहे, या दोन मुलांची सिनेमात नेमकी काय कमाल असणार हे बघायला मी सुद्धा तितकीच एक्साइट आहे। सो तुम्हीही बघायला विसरू नका पिप्सी।